जय माता दी। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एशिया ऑन व्हील्स पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो को मैंने स्पेशली आप लोगों के डाउट और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं जो भी आप सबने मुझसे माता वैष्णो देवी से रिलेटेड पूछे थे। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, माता रानी के सभी भक्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं सबसे मेन और ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिसके बारे में बहुत से भाइयों ने मुझसे पूछा है। तो दोस्तों एक हमारे भाई ने हमारे रिसेंट वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि भैया कोई बोलता है घर से जाओ कोविड टेस्ट कराकर, वो वैलिड होगा, कोई बोलता है दोबारा होगा, तो सही जानकारी क्या है? तो हरजिंदर सिंह जी, मैं आपको और हमारे और भी दोस्तों को बता देता हूँ कि दोस्तों अब यदि आप अपने होम टाउन से कोरोना टेस्ट कराकर जा रहे हैं और आपका टेस्ट 96 आवर्स पहले का है तो वो टेस्ट आपका वैलिड माना जाएगा, आपकी दोबारा से कोरोना जांच नहीं कराई जाएगी। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको थोड़ा खुलकर बता देता हूं कि आज से तकरीबन 15-16 दिन पहले वही रूल था कि अगर आप पहले कोविड टेस्ट यानी अपने घर से ही कोविड की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं तो आपकी रिपोर्ट वैलिड नहीं मानी जाएगी, आपका दोबारा से कटरा रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट करा जाएगा, यदि आप नेगेटिव आते हैं तो आपको वैलिड माना जाएगा और आगे माता रानी के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। पर दोस्तों इस टाइम श्राइन बोर्ड ने बता दिया है कि यदि आप अपने होम टाउन से कोरोना टेस्ट कराकर आ रहे हैं और यदि आपकी रिपोर्ट सारी शर्तों को फुलफिल करती है तो आपका दोबारा से कोरोना टेस्ट नहीं करा जाएगा। दोस्तों आज तक की यही न्यू अपडेशन है, अगर कल या कभी भी इसमें कोई फेरबदल होता है तो हमारा चैनल आपको जल्द से जल्द न्यू अपडेट देता रहेगा। इसलिए वैष्णो देवी से जुड़ी नई जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल एशिया ऑन व्हील्स को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। इससे मैं आप लोगों के लिए जो भी माता रानी से जुड़ी नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारे दोस्त रमेश कुमार जी पूछते हैं कि घर से जाने के बाद अगर किसी को वहां पहुंचने के बाद कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। जी हां भाई, अगर किसी को वैसे भी कोरोना पॉजिटिव आए तब भी उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और यदि अपने घर से दूर कोई पॉजिटिव हो जाए तो टेंशन की बात ही है। तभी तो दोस्तों इस टाइम यदि आप माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप अपने घर से ही कोरोना टेस्ट कराकर जाएं, इससे आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आप पूरी तरह से ठीक हैं या फिर नहीं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी दोस्त सुमन तहलान जी हमसे यह पूछती हैं कि अगर कोरोना टेस्ट नहीं कराएं और कटरा जाकर कराएं तो क्या खर्च आने वाला है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी मैंने हमारे दोस्त रमेश कुमार जी का डाउट क्लियर करा है, पर मैं दोबारा से आपको बता दूं कि यदि आप बाय चांस कोरोना पॉजिटिव आ जाती हैं कटरा आकर तो आप क्या करेंगी? 7-8 दिन के आइसोलेशन के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। खैर यदि आप किसी प्रॉब्लम के चलते कटरा में आकर कोरोना टेस्ट कराना चाहती हैं तो वहाँ भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना टेस्ट करा जाएगा जिसकी रिपोर्ट आपको 30-40 मिनट में मिल जाएगी। यदि आप पॉजिटिव आती हैं तो आपको वहीं रोक दिया जाएगा, और अगर सब कुछ सही रहता है मतलब रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको माता रानी के दर्शन के लिए जाने दिया जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कृष्ण बंसल जी पूछते हैं कि घोड़े और पालकी की सेवा चल रही है या नहीं, भाई प्लीज बताइए। तो भाई जी मैं आपको बता दूं कि इस टाइम घोड़े, पालकी, पिट्ठू, रोपवे की सारी सुविधा आप सबको मिल जाएगी, यहाँ तक कि बैटरी कार भी आपको भवन तक यात्रा करा सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आप हेलीकॉप्टर से माता रानी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की भी सुविधा आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये कुछ मेन क्वेश्चंस मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने पूछे थे जिसका रिप्लाई मैंने आपको दे दिया है। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउटफुल क्वेश्चंस हो माता रानी से रिलेटेड तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप मुझे फॉलो करके DM कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, माता रानी के सभी भक्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।
लगे ऐसे एक तू जैसे मेरे मस्तक चलती है सुमैया प्यार।